जैसे गांव के अंदर बिजली है, सड़क है और नालियों का काम है, जो पहले काम करा रखा है उसके अंदर है, टंके बनाने हैं वो में पानी भी बिजली और कहीं नाम ये टंके भी बीमे बनाने हैं, चाहे वो में करनी है दो तीन पहले बना रखे, जैसे ब्राह्मणों की बना रखी है, मेघवाड़ों की बना रखी है, मुसलमानों की बना रखी है, उनके जो असुविधा है वो पूरी की पूरी सुविधा उनके हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम बोलो कोई और कोई बात करिए बोल। आपके गांव में जो ये पानी की निकासी है जो नालियों की, इनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, पानी की जो निकासी है उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे हम, उसमें दो राय नहीं रखेंगे हम। और कोई बात पूछनी बड़े पूछो आप। अच्छा, जो यहाँ जो नरेगा का काम चलता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण में सभी काम नरेगा के तहत होते हैं, तो उसके लिए आप ग्रामीणों के लिए क्या योजना चलाएंगे? ग्रामीण के नरेगा में चलेंगे, एक कौन सी जो स्कूल है यहाँ पर 12वीं तक की बनी हुई है तो उसको हम कॉलेज तक के बनाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। अच्छा, यहाँ बालिका शिक्षा कैसी है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बालिका के लिए नहीं है, बालिका के लिए बनाएंगे अलग स्कूल खुलाएंगे, उसके अंदर ऊपर जोर लेकर स्कूल खुलाएंगे इसके अंदर। आप मोतीलाल पुरोहित ग्राम पंचायत बिकमपुर से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे गांव के लिए सबसे अहम मुद्दे होंगे जो बिजली पानी और सड़क सफाई और गांव के खेल मैदान और गांव में आवंटन भूमि का जो गांव की आबादी के क्षेत्र में है उसको निरस्त करवा कर आबादी के अंदर कन्वर्ट करवाना। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा होगा जो है शिक्षा का, बिकमपुर में शिक्षा का भी बहुत अभाव है, उसके लेकर भी हम आगे तक इसकी कार्रवाई करेंगे। सफाई के लिए भी गांव में हर साल के लिए एक नया बजट लाने की कोशिश। पंचायत चुनाव 2020 के तहत तीसरे चरण में ग्राम पंचायत बीकमपुर में कल मंगलवार को होगा मतदान। पंचायत समिति बज्जू की ग्राम पंचायत बीकमपुर में कल मंगलवार को होगा मतदान। ग्राम पंचायत बीकमपुर के कुल मतदाता 2650 है। चैन सिंह मोतीलाल संग्राम सिंह तीन उम्मीदवार सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है। ग्राम पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 11 है, जिसमें से 9 वार्ड निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए हैं। वार्ड नंबर 3 एवं वार्ड नंबर 11 में कल होगा मतदान। तीनों उम्मीदवार अपनी दावेदारी सरपंच पद के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल के मतदान में बीकमपुर की जनता किसे बनाएगी अपना सरपंच, किसे पहनाएगी सरपंच का ताज, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरपंच पद के उम्मीदवारों के विकास के अलग अलग हैं मुद्दे। हमारी वार्ता उम्मीदवार चैन सिंह से हुई तो उन्होंने गांव के विकास के मुद्दे बताया एवं हमारी वार्ता मोतीलाल से हुई, उन्होंने अपने विकास के मुद्दे बताए। उम्मीदवार संग्राम सिंह से हमारी वार्ता नहीं हो सकी क्योंकि वह चुनाव प्रचार में गए हुए थे। कल होने वाले मतदान में मतदाता ही तय करेंगे बीकमपुर सरपंच की विजय माला। बीकानेर संक्रमित घरों में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव। बीकानेर रघुनाथ सा कुआं क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आने वालों के घरों में पार्षद दुर्गादास छंगाणी, विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजकुमार व्यास, एमडी किराडू के सहयोग से कोरोना पॉजिटिव आने वाले घरों में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। साथ ही राजकुमार व्यास दुर्गादास छंगाणी ने लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि इस महामारी हल्के में ना जाने, इस बीमारी की संपूर्ण जानकारी लें, जिससे आप संभलोगे तभी आप अपनों को संभालने की स्थिति में होंगे। कोरोना की चेन को तोड़कर ही हम और हमारा समाज सुरक्षित होंगे और ये तभी संभव होगा जब हम सरकारी गाइडलाइन की पालना करेंगे। पार्षद दुर्गादास छंगाणी, विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजकुमार व्यास, एमडी किराडू ने मोहल्ले के घर घर जाकर समझाइश करते हुए कोरोना से बचाव करने की जानकारी दी। फोटो क्लिक बाय केसी ओझा। राजकुमार व्यास, जिलाध्यक्ष, विप्र फाउंडेशन, बीकानेर। कांग्रेस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं, भाजपा। कांग्रेस सरकार अपराध रोकने में पूर्णतया विफल, पालीवाल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के आह्वान पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के मामले, बलात्कार जैसी बढ़ती घटनाओं के खिलाफ भाजपा के प्रदेश व्यापी हल्ला बोल अभियान के तहत भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल के नेतृत्व में जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार की लाचार कानून व्यवस्था, राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में जिस प्रकार कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, अपराधी खुले आम अपराध कर रहे हैं, उनको कानून का कोई भय नहीं है।
जोधपुर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने वालों में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, जिलाध्यक्ष जोधपुर देहात उत्तर मनोहर पालीवाल, देवेंद्र जोशी शहर देहात दक्षिण, विधायक फलोदी पब्बाराम बिश्नोई, पूर्व विधायक बाबू सिंह जोधपुर देहात उत्तर, जिला महामंत्री जसवंत सिंह ईंदा, जगदीश बिश्नोई जिला महामंत्री, मीडिया प्रभारी सुनील बुरर आदि उपस्थित रहे।